हाय एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जियो के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जब मैंने एयरटेल का ये 10 Mbps वाला ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया था, आज से 5-6 महीने पहले की बात है, जब मैं ये कनेक्शन ले रहा था, उससे पहले मैंने जियो का कनेक्शन बुक किया था। मैं आपको बता दूँ कि जियो के एग्जीक्यूटिव मेरे एरिया में घूम रहे थे और वो अपना वो पैम्पलेट लेके कि जियो का ये प्लान है और ये इस तरह का कनेक्शन है, आपको लगवाना तो लगवा लो, मतलब इस तरह से घूम रहे थे। तो मैंने उनसे बोल के मैंने बोला कि मेरे को कनेक्शन चाहिए 10 Mbps वाला, आप लगा दो। तो वो जब आए ना मेरे यहाँ पे लगाने, तो वो बोले हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो मैं आपको बता दूँ, हुआ ये था कि मेरे घर से 150 मीटर दूर यहाँ पे मेन रोड है और मेन रोड से सीधी वायर जा रही है जियो की, जो इधर से होते हुए मतलब दूसरी साइड जा रही है। मेरा जो घर है जिस रोड पे, इस रोड पे जियो का तार नहीं आया है, मतलब इस रोड पे जियो की लाइन नहीं है। और ये जो दूरी होगी ये लगभग 100 मीटर से ऊपर है, मतलब 150 मीटर आप मान सकते हैं, 150 मीटर के अंदर अंदर है, क्योंकि उन्होंने भी चेक किया था तो वो बोले थे कि वहाँ से लगभग 100 मीटर से ज़्यादा पड़ रहा है, 150 मीटर के अराउंड पड़ रहा है। तो हुआ ये था कि जब मैंने एग्जीक्यूटिव को बोला कि आप मेरा कनेक्शन लगा दो, तो मेरे घर पे आ गए कनेक्शन बुक करने के लिए, लगाने के लिए। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि अरे ये तो अंदर पड़ जा रहा है, हम यहाँ पे कनेक्शन नहीं दे पाएंगे, उन्होंने मना कर दिया। फिर क्या हुआ कि मैं जियो की वेबसाइट पे आया, जियो की वेबसाइट पे जब मैंने चेक किया, अपना एरिया डाला, तो वहाँ पे दिखा रहा था कि फिजिबिलिटी है, मतलब दिखा रहा था कि आपका कनेक्शन लग जाएगा। तो हुआ ये कि मतलब वहाँ पे मतलब आसपास दिखा रहा है कि कनेक्शन है, लेकिन एक पॉइंट के बाद दिखा रहा है कनेक्शन नहीं है, मतलब लिख रहा है कि हम एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी सर्विसेज को, जल्दी आपके एरिया में आ जाएंगे। तो वहाँ पे थोड़ा सा पास करके मैंने कनेक्शन बुक कर लिया हल्का सा। मैंने सोचा कि चलो इतने दूर तक अगर आ ही रहे हैं तो जस्ट गली में ही तो कनेक्शन देना, आप इतना तार बिछा के मुझे कनेक्शन दे दो। मैंने एग्जीक्यूटिव को भी बोला कि आप इतना तार के पैसे मेरे से ले लो और आप मेरे को कनेक्शन दे दो। वो कह रहे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे ऐसे कनेक्शन, ऐसे हम कनेक्शन बाई चांस दे देना। तो होता ये है कि आपको नहीं पता कि मतलब यहाँ पे कई सारे लोग आते हैं जिन जिनके केबल है, तार है, मतलब कंपनी वाले आते हैं, तो वो क्या करते हैं, तारें कट कर देते हैं दूसरों की, अगर उनको उलझन दिखाई देती है। तो कह रहे इस तरह से आपकी प्रॉब्लम्स आएगी, हमारे पास कंप्लेंट्स आएगी, इसलिए हम नहीं दे पाएंगे। हमें कंपनी की तरफ से भी फिर 2-4 बातें बोली जाएगी कि आपने इस जगह पर कैसे कनेक्शन दे दिया, तो हम आपको नहीं दे पाएंगे। फिर क्या हुआ कि मैंने वेबसाइट पर जाके कनेक्शन बुक कर लिया, वहाँ पर 99 रुपीज़ फ़ीस लग रही थी, तो 99 रुपीज़ पे करके मैंने कनेक्शन बुक कर लिया। और मैं आपको बता दूं कि आज तक कनेक्शन वो बुक है। मेरे पास जियो की तरफ से कॉल आता था आपका कनेक्शन लग गया, तो मैं बोलता था कनेक्शन नहीं लगा, मेरे घर से इतना डिस्टेंस पड़ रहा है, अगर आप एक थोड़ा दूर अगर आप एक खंबा और अगर आप अपना एक्सपेंड कर दो ना, तो मेरे घर पे भी कनेक्शन मिल जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है सर, हम बात कर रहे हैं, वो अपने मतलब जियो की तरफ से कॉल आता है तो वो कोशिश करते हैं हम कनेक्शन दे दें, वो कनेक्शन की रिक्वेस्ट को क्लोज़ नहीं करते हैं, 15-20 दिन में कॉल करते हैं और पूछते हैं कि मतलब आपका कनेक्शन लग गया, मैं बोलता हूँ नहीं लगा। फिर वो क्या हुआ कि मतलब 2 बार ऐसे एग्जीक्यूटिव आ चुके हैं, 2 बार अभी तक आ चुके हैं कि मतलब आगे देख के चले गए हैं कि सर ये दूर पड़ रहा है, और कनेक्शन को कैंसिल करके चले जाते हैं, लेकिन जियो की तरफ से अभी कैंसिल नहीं हुआ है। उनका कॉल आता है, वो पूछते हैं और मैं उनको बताता हूँ कि अभी कनेक्शन नहीं लगा है, और मैं उनको ये बोलता हूँ कि सर मैंने 99 रुपीज़ पे किए थे कनेक्शन को बुक करते समय, आप वो रिफ़ंड कर दीजिए, मेरा कनेक्शन तो लग नहीं पा रहा। तो अभी तक वो 99 रुपीज़ रिफ़ंड नहीं हुआ। वो बोलते हैं सर हमें दिखाई नहीं दे रहा 99 रुपीज़ का कोई ट्रांजेक्शन, आपके पास स्क्रीन शॉट हो तो आप भेज दो। मैंने स्क्रीन शॉट लिया था बट मैंने अभी तक उन्हें भेजा नहीं है, तो मैं एक बार स्क्रीन शॉट उनको भेज दूँगा, बट 99 रुपीज़ मैंने पे किए हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है। 99 रुपीज़ उस टाइम फ़ीस लगती थी, वो उसमें से कहते थे कम कर देंगे, जब वो आपसे फाइनल अमाउंट लेंगे तो वहाँ पर कम कर देंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हुआ था, मतलब जियो का कनेक्शन मुझे नहीं मिल पाया था। एयरटेल से पहले मैं जियो लेना चाहता था, हालांकि वो जियो लेने से पहले भी मैं एयरटेल यूज़ किया हूँ 40 Mbps वाला। तो आई होप गाइस आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, धन्यवाद।